आखिर कौन बन गया आईपीएल का नया स्पॉन्सर? कितने सालों तक और कितने पैसे में बिके आईपीएल के स्पॉन्सरशिप्स के राइट? आखिर क्यों बढ़ गई आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर की कीमत? कब शुरू होगा आईपीएल का नया सीजन? अब ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जानने के लिए सोशल मीडिया के खूब चक्कर लगा रहे हैं लोग, लेकिन आज हम इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। इसलिए कहीं मत जाइए, आराम से बैठिए। क्यों इतने चक्कर लगा रहे हैं सोशल मीडिया के? हम है ना, हम आपको देंगे जवाब। तो सबसे पहले चलते हैं पहले सवाल पर कि कौन है आईपीएल का नया स्पॉन्सर। तो इस सवाल का जवाब है टाटा ग्रुप। जी हाँ, आईपीएल के अगले 5 सालों के लिए भी टाटा ग्रुप के ही टाइटल स्पॉन्सर बने रहने के चांसेस हैं। टाटा सन्स ने आईपीएल 2024 से 2028 तक की टाइटल स्पॉन्सरशिप को लेने का फैसला किया है। अब दूसरा सवाल कि आखिर कितने पैसों में बिके आईपीएल के स्पॉन्सरशिप राइट्स? तो इस सवाल का जवाब है कि टाटा सन्स ने आईपीएल 2024 से 2028 तक की टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 500 करोड़ रुपए प्रति साल यानी कुल 2500 करोड़ की बोली लगाई। दरअसल टाटा ग्रुप के लिए ये डील उतनी भी आसान नहीं, क्योंकि इस बार आईपीएल टाइटल की स्पॉन्सरशिप के लिए टाटा ग्रुप के अलावा आदित्य बिरला ग्रुप ने भी बिड किया था। आदित्य बिरला ग्रुप ने आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 2500 करोड़ की बोली लगाई थी, जिसके बाद एक समय ऐसा लग रहा था कि इस बार आदित्य बिरला ग्रुप को आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप के राइट्स मिल जाए। लेकिन बाद में खबर आई कि टाटा ग्रुप ने भी इतना ही अमाउंट टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए देने का डिसीजन लिया है। ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले 5 सालों के लिए भी टाटा ग्रुप आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर हो। अब चलते हैं तीसरे सवाल पर, जिसमें पूछा गया है कि आखिर क्यों बढ़ गई आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर की कीमत। तो इस सवाल का जवाब है, पिछले 2 साल से टाटा ग्रुप ही आईपीएल स्पॉन्सर कर रहा है। आईपीएल 2022 और 2023 में स्पॉन्सरशिप के लिए टाटा ने बीसीसीआई को 670 करोड़ रुपए दिए थे। अब आगे आईपीएल के लिए ये राशि और बढ़ गई है। इसका बड़ा कारण आईपीएल की बढ़ती लोकप्रियता यानी बढ़ता क्रेज तो है ही, साथ ही आने वाले सीजन में आईपीएल मैचों के नंबर्स में होने वाला इजाफा भी। अब ये तो सबको पता है कि आईपीएल 2024 में कुल 74 मुकाबले होंगे। इसके बाद बीसीसीआई का प्लान है कि आईपीएल 2025 में मैचेस की संख्या 84 और इसके बाद आईपीएल 2026 से इसे 94 कर दिया जाए। ऐसे में आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के लिए कॉस्ट बढ़ना लाजमी है। अब आखिरी में सबसे जरूरी सवाल कि आखिर ये आईपीएल शुरू होगा कब? तो इस सवाल का जवाब है कि आईपीएल 2024 रिपोर्ट के मुताबिक 22 मार्च से शुरू होकर 26 मई तक चल सकता है। आईपीएल से ठीक पहले वर्ल्ड प्रीमियर लीग भी होने वाला है, जिसके लिए मिड फरवरी से 10 मार्च तक की विंडो बीसीसीआई के साइड से रखी गई है। हालांकि इस साल भारत में जनरल इलेक्शन है, लेकिन उसके बाद भी आईपीएल को भारत में ही कराए जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ये है आईपीएल 2024 से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब। अगर आपको लगता है कि हमने कुछ मिस कर दिया है, या आईपीएल से जुड़े हुए आपके कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, या फिर कोई कमेंट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे पेज को फॉलो करिए।